सैंपल की रिपोर्ट आई है 15 सैंपल की, जिसमें 5 पॉजिटिव आए हैं कोरोना पॉजिटिव, और ये सभी जो हमारा हॉटस्पॉट है वहीं से आए हैं, जैसे चौबियापाड़ा और मनोहरपुरा मदरसा और भार्गव गली, ये इसी एरिया के हैं ये 5 जी। पहले पॉजिटिव जो रहा उसी के संपर्क में रहे होंगे ये? हाँ, ये पहले जो सुनील गुप्ता जी थे, 3 तो उन्हीं के यहाँ से हैं, एक मदरसे से है और एक और हैं, ये करीब 5 हैं जो उसी एरिया। अरे सर, आज हॉटस्पॉट एरिया में आप गए भी थे, आपने सर्वे किया है, वहाँ पर कुछ टीम लगाई है, क्या लोगों को संपर्क? देखिए, जो टीमें हमारी, आज फिर हमने 16 टीम लगाई थी, जिसमें 6 सुपरवाइजर भी लगाए थे, और उन्होंने फिर से जाके इस एरिया को जहाँ से केस हमारे निकल रहे हैं फिर से सर्वे किया है और हाउस मार्किंग करके किया है उसको, जिससे कि कोई घर छूटे भी ना और हर घर में मैसेज पहुँचे। जैसा कि हमने सबको बताया था कि जो भी किसी घर पर जा रहा है सबसे पहले वहाँ कितने लोग हैं ये पता कर लें, कितने लोग उस घर में रहते हैं, और हर व्यक्ति से वह हर व्यक्ति को देखें, ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति बाहर निकल के सबके बारे में बताए। अगर ऐसा होता है तो पता चला कोई बीमार है वो अंदर ही है और उसको भी बता दिया सही है, तो सभी लोगों को पहले बाहर बुला लें और सबको देखें और सबसे अलग अलग बात करें और उनको किस तरह रहना ये भी बताएं। अगर किसी को 15-20 दिन में कभी भी एक दिन भी अगर बुखार आया है तो उसको भी वो नोट करें, और बुखार आने के बाद उनका टेस्ट में बदलाव आया है, स्वाद उनको महसूस नहीं होता है या गंध उन्हें महसूस नहीं होती है, ये भी चीज़ पूछें। घर में कोई डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक है कोई भी और बुजुर्ग हैं उनको भी रिकॉर्ड करें, किसी को हाइपरटेंशन है वो भी पता करें, और भी कोई बीमारी है वो पता करें, ये सारी चीज़ें हर घर पर जाके पता करें और फिर उसकी लिस्टिंग वो हमें लिस्ट बना के दें, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कौन एरिया में अभी भी केस हैं और निकल रहे हैं। सर, जैसे कि हॉटस्पॉट एरिया क्षेत्र में जितने भी हैं पॉजिटिव केस संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर कोई अलग से कोई रणनीति स्वास्थ्य विभाग की है जो अपने एरिया में बढ़ रहे हैं मरीज? देखिए, ये ज़्यादातर जहाँ से निकल रहे हैं बड़ा तंग गलियाँ हैं, और कुछ जो अभी हमने जो देखा कि कुछ लोग एकदम क्लियर कट कुछ बताना भी नहीं चाहते हैं, और बस जब टीम पहुंचती है तो यही कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सब ठीक हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इसीलिए हमने हर व्यक्ति से को सामने लाने की बात कही, जिससे उन्हें देखा जा सके। और जनपद में टोटल संख्या की बात करें तो अब तक कहाँ तक आ गया? अभी तक जो टोटल जनसंख्या है वो 44 हो गई है जो पॉजिटिव।